इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं लेके 30,000 से 1.5 लाख तक के पीसी बिल्ड के बारे में। तो अगर आप एक पीसी बिल्ड कराने की सोच रहे हो तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्या पता इस वीडियो के बाद में आपका ड्रीम पीसी बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो अभी मैं हूँ लैमिंगटन रोड के अंदर, मेरे पीछे पूरी लैमिंगटन रोड की मार्केट है और जिस स्टोर पे आया उसका नाम है इन्फिनिटी गैजेट्स। तो स्टोर के अंदर चलते हैं, सभी चीजों के बारे में जानते हैं और भाई ऑब्वियसली भाई प्राइजिंग नेक्स्ट लेवल रहने वाली है और जो आप अभी सेटअप देखने वाले हो ना बहुत ही जबरदस्त आपको दिखने वाले हैं और मतलब सब चीज यार मस्त मजा आने वाला है। तो अभी स्टोर के अंदर ही चलते हैं। ठीक है गाइस, आ गए हम स्टोर के अंदर और भाई हमने यहाँ पे अपने जितने पीसी बिल्ड थे लेके 30,000 से 1.5 लाख तक लगा लिए हैं। तो अभी मेरे साथ में है लव भाई। लव भाई कैसे हो आप? बस एकदम फाइन दीपक भाई, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया लव भाई। तो आज हम इस बिल्ड के बारे में बात करने वाले हैं, इन सभी बिल्ड के। तो प्राइसिंग कैसी मिलने वाली है? प्राइसिंग काफी अच्छी मिलने वाली है और जो भी आप देख रहे हो प्राइसिंग विद जीएसटी रहेगी हर एक प्रोडक्ट का और स्टार्ट करेंगे 30,000 से और 1.5 लाख के आपने बता ही दिया। ओके, तो लव भाई मेरे को ये बताइए, ये जो पीसी बिल्ड है इस पीसी बिल्ड के अंदर हम जो प्राइसिंग बताने वाले हैं उसी प्राइसिंग के अंदर सब बिल्ड मिलने वाले हैं ना? पक्का बिल्कुल 110% मिलने वाला। लास्ट बार भी जो वीडियो ना मैंने आपने ही बनाई थी तो उसमें खाली ये मेंशन करना भूल गए थे अपन कि ये वीडियो सिर्फ होली तक की थी, बट ऐसा नहीं है भाई, ये वीडियो अभी इसका जो भी टाइम ऑफ पीरियड रहेगा मैं बता दूंगा आपको। तो अभी हम अपने 30,000 के बिल्ड से स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग को। 30,000 में जो बिल्ट आएगा आपको i5-11400 प्रोसेसर आएगा जिसमें 510 बोर्ड आ जाएगा, 16GB की रैम है टीम फोर्स के तरफ से आने वाली वेलकम सीरीज की, 512GB SSD है, NVMe SSD आएगी, ATX कैबिनेट आ जाएगा, वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड माउस आ जाएगा और 500 वॉट्स का पावर सप्लाई आएगा। ये इंटेल बिल्ट हो गया और सेम राइजन बिल्ट में आपको आ जाएगा राइजन 5600G। ओके, ठीक है, और मदरबोर्ड इसमें A520 हो जाएगा। दोनों ही बिल्ट आपको 30,000 की रेंज में मिल जाएगा। और भाई इस वीडियो की सबसे बड़ी यही बात है कि इसमें इंटेल एंड AMD सेम बजट के अंदर आपको दोनों बताए जाएंगे, दोनों कौन सा आपको सेम बजट में मिल सकता है वो पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट बिल्ड के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो बिल्ट है इंटेल के तरफ से आने वाला i5-12th generation है और राइजन की तरफ से आने वाला 5600X सीरीज का प्रोसेसर है। ठीक है, तो इसमें इंटेल का जो आएगा i5-12-400F प्रोसेसर आएगा, 610 मदरबोर्ड आ जाएगा, इसमें 16GB की रैम आएगी इंटू टू, टोटल 32GB की रैम है। ठीक है, और इसमें 512GB की SSD भी है XPG के, ATX गेमिंग कैबिनेट है, कीबोर्ड माउस इसमें भी मिल जाएगा, 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड है और 500 वॉट का इसमें भी SMPS है। ये पीसी आपको पड़ जाएगा 54,900 रुपीज। 54,900 वो जितने ही प्राइस होगी वो इंक्लूडिंग GST होगी और ये पीसी बिल्ड आपको 110% मिलेगा यही प्राइस में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप सेंड कर सकते हो लेके व्हाट्सएप पे बिल्कुल सेंड कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो और दूसरा जो है इसी में राइजन 5600X के साथ जो बोर्ड है B450 सीरीज का डाला गया है, बाकी का ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन पूरा ही सेम है, 16GB इंटू 2 रैम रहेगी, 512 SSD रहेगी, 1660 सुपर कार्ड रहेगा, 500 वॉट का पावर सप्लाई, ये पीसी बिल्ट आपको 54,900 में मिल जाए। नेक्स्ट जो बिल्ट है इंटेल की तरफ से आने वाला i5-13400F है और राइजन में मिल जाएगा आपको 5700X। ओके, ठीक है, इसमें जो प्रोसेसर पहले इंटेल बिल्ड बता देता हूँ, i5-13400F प्रोसेसर है, गीगाबाइट B760 मदरबोर्ड है, इसमें रैम 16GB मिलेगी, 512GB SSD है। ये जितना भी मैंने बिल्ड बताया अभी तक DDR4 के साथ है, क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसमें 16GB रैम है DDR4 3200 MHz, ATX गेमिंग कैबिनेट है, वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड माउस इसके साथ भी मिलेगा, इसमें गेम डीएस के तरफ से आने वाला कूलर भी है, एयर कूलर के साथ है, ग्राफिक कार्ड जो इसमें 3060 सीरीज का ग्राफिक कार्ड मिलेगा आपको। ठीक है, और पावर सप्लाई जो आएगी 650 वॉट्स की पावर सप्लाई, ये पीसी बिल्ट आपको मिल जाएगा 79,900। तो भाई ऑब्वियसली प्राइसिंग एकदम जबरदस्त है। ठीक है, तो अभी इसमें बात करें हम इंटेल और AMD में, आप बता रहे हो तो AMD में आपको क्या होगा, बाकी का ऑलमोस्ट पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, प्रोसेसर जो रहेगा
5700X हो जाएगा और मदरबोर्ड जो रहेगा B650 सीरीज का हो जाएगा। ओके okay. वो सेम प्राइस के अंदर, सेम प्राइस 79,900 रुपीस। ठीक है उन लोग, भाई मेरे को अभी ये बताइए, पिछली बार बहुत सारे सब्सक्राइबर मतलब कमेंट में पूछ रहे थे, इंस्टा पे भी आके डीएम कर रहे थे कि भाई ईएमआई वगैरह भी अवेलेबल होती है क्या? ईएमआई बजाज फाइनेंस पे अवेलेबल है, बट आपको अगर आप आउटसाइड मुंबई के बाहर के हो तो वो चीज अवेलेबल नहीं है फिलहाल। okay. आपको फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह पे करनी पड़ती है, बाकी हमारा जो बजाज फाइनेंस है लोकल मुंबई का वो आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मुंबई से हो या मतलब एक लोकल एरिया से तो आपका बजाज फाइनेंस हो जाएगा, हो जाएगा। अगर आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ सिटी हो तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड से ईएमआई मिलेगा। बराबर बराबर। ओके, तो अभी नेक्स्ट बिल के बारे में बात करते हैं भाई, ईएमआई भी अवेलेबल है। तो नेक्स्ट बिल जो अपना है वो i5 13600K सीरीज के साथ है और राइजन का जो प्रोसेसर है इसमें राइजन 7000 सीरीज है, राइजन 5 का 7600X है। ठीक है, तो पहले इंटेल का बता देता हूँ मैं। इंटेल में i5 13600K इसका प्रोसेसर है, B760 इसमें मदरबोर्ड आएगा, 16GB की रैम है, 1TB की SSD है, 1TB और ये जो बिल्ट है आपको DDR5 रैम के साथ आएगा। DDR5 RAM ये जो बिल्ट है DDR5 के साथ है। ठीक है, इसमें 1TB SSD है, ATX गेमिंग कैबिनेट है, वायर्ड कीबोर्ड माउस इसके साथ भी हम लोग फ्री देने वाले, और कूलर जो है इसमें लिक्विड कूलर डाला गया है, 240mm का लिक्विड कूलर है और पावर सप्लाई इसमें भी 650W का है, और जो ग्राफिक कार्ड है वो 3060 Ti के साथ है। ये जो बिल्ट है 3060 Ti आपको पड़ जाएगा 99,900 वो आपको ऑन द स्पॉट बता। हाँ, तो सिंपल सी बात है, अगर मतलब आप कुछ बढ़ा रहे हो, आप कुछ बढ़ा रहे हो तो वो बढ़ने, और अगर हम जो घटा रहे हो तो वो घटेगा। AMD में जो आएगा वो राइजन 7600X प्रोसेसर आएगा और मदरबोर्ड इसमें भी B650 के साथ है, बाकी का तो 16GB रैम, 1TB SSD, 3060 Ti ग्राफिक कार्ड, 650W लिक्विड कूलर और कूलर के साथ है। ठीक है, इसका भी प्राइस दोनों का सेम रहने वाला है, 99,900 रुपीस। ठीक है, और ये DDR5 बेस्ड DDR5 के साथ है, अभी जो भी मैं बताऊंगा सब DDR5 है। ओके भाई, अभी नेक्स्ट बिल्ड के बारे में बात करते हैं, इस बिल्ड की भी बात हो गई। अगर आपको ये सेम बिल्ड चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके आप भेज सकते हो, मतलब जो प्राइस लिखा है ना भाई उसी में मिलने वाले हैं पक्का भाई, पक्का। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट बिल्ड के बारे में बात करते हैं, मर्सिडीज आ गए भाई। ठीक है, इसके बारे में बताओ। तो नेक्स्ट बिल्ड जो है हमारा सर्कल की तरफ से आने वाला गेमिंग कैबिनेट है, मर्सिडीज बोल सकते हो आप इसको, काफी अट्रैक्टिव दिया हुआ है और ये 4 फैन के साथ है। इसका जो प्रोसेसर और राइजन इंटेल का मैं बता देता हूँ, तो प्रोसेसर जो इंटेल की तरफ से i7 12700K है और राइजन का जो आएगा 5900X आएगा, राइजन 5000 सीरीज की है क्योंकि राइजन 9 हाँ ये बजट में राइजन 9 5900X और i7 12700K के साथ है विद 3070 Ti ग्राफिक कार्ड के साथ है ये। ठीक है, तो i7 12th generation प्रोसेसर आएगा, 760 मदरबोर्ड है इसमें विथ वाईफाई के साथ आएगा, DDR5 सपोर्टेड है, इसमें जो रैम है 32GB की रैम आएगी, 16x2 1TB की SSD है, ATX गेमिंग कैबिनेट है ये हमारा मर्सिडीज, गेमिंग कीबोर्ड माउस इसके साथ फ्री आएगा, 240mm का लिक्विड कूलर है, 3070 Ti ग्राफिक कार्ड आएगा और 650W का इसमें पावर सप्लाई है। इसके प्राइसिंग की बात करो तो 1,24,900 रुपीस में, 1,24,900 रुपीस में आपको भी 3070 Ti एंड राइजन 9 के साथ भी मिलने वाला। राइजन 9 की अगर बात करो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन Ryzen 9 5900X रहेगा, B550 सीरीज का मदरबोर्ड है विथ वाईफाई, इसमें जो रैम लगेगी 16x2 32GB की रैम है, 1TB SSD है, बाकी सब 3070 Ti एंड ऑल 1,24,900 में आप ग्रैब कर सकते हो। तो भाई मजा आ रहा है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता दो, ठीक है, कैसा डिस्काउंट लग रहा है और हाँ। आपके हिसाब से क्या सजेस्ट कर सकते हो भाई, वो भी एक बार कमेंट। और भाई जिसको भी अगर कुरियर वगैरह चाहिए हाँ। तो
एक चीज क्लियर कर लेता हूँ, अगर ठीक है 500-600 जितना कुरियर चार्ज रहता है तो वो हम लोग बेयर कर देते हैं, बट अगर उससे ज्यादा होता है 500 से अबो, जैसे कि 1000-1500-2000, तो वो चार्जेस आपको पे करना है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके ठीक है, और डिलीवरी वगैरह का क्या प्रोसीजर रहता है? डिलीवरी वगैरह सब प्रोसेस हम लोग करवा के दे देंगे। तो नेक्स्ट जो बिल्ट है वो इंटेल की तरफ से आने वाला i7-13700 सीरीज का प्रोसेसर है, और राइजन की तरफ से आने वाला Ryzen 7 7700X प्रोसेसर है। ठीक है, तो इंटेल का पहले कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। i7-13700 प्रोसेसर आएगा, मदरबोर्ड इसमें जो आएगा B760 या फिर Z790, आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। मैंने अभी के हिसाब से पकड़ा है इसमें B760 विथ वाईफाई DDR5 का बोर्ड है। इसमें आपको 16x232 GB रैम मिलेगी DDR5 5200 MHz की, 1 TB हार्ड ड्राइव प्लस 1 TB SSD Gen 4, ATX गेमिंग कैबिनेट, ये Li&Li का कैबिनेट है, काफ़ी अच्छा है, एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है इसका। ठीक है, इसमें वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड माउस भी रहेगा, 360mm का लिक्विड कूलर है, ग्राफिक कार्ड इसमें भी RTX 3070 Ti लगा है। ये मतलब ये जो मैं कार्ड वगैरह लगा हूँ मेरे हिसाब से, बाकी आप लोगों को भी कोई कार्ड में समझो 3070 नहीं, इसमें 3060 Ti के साथ जाना है तो वो आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, वो आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा, कर सकते हो, वो आपके हिसाब से आप बना सकते हो। 750W का पावर सप्लाई, ये पीसी की बात करूं मैं तो 1,49,900 में पड़ेगा। ठीक है, और इसमें ही अगर राइजन की बात करूं तो Ryzen 7 7700X विथ B650 मदरबोर्ड है, बाकी का सेम जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोला 3070 Ti ये सब रहेगा। सेम प्राइसिंग 1,49,900 रुपीज, 1,49,900 में आपको ये मिल जाएगा। हाँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात करे लो भाई, मतलब अगर कोई पीसी बिल्ड करा रहा है तो वो COD वगैरह की बहुत ज्यादा लोग डिमांड करते हैं, तो COD वगैरह अवेलेबल हो पाएगी क्या? COD वगैरह मेरे अभी कुरियर पार्टनर से बात तो चालू है, फिलहाल बीच में 2-3 महीने करवाई भी थी, बट उसमें कैसे रहता है कुरियर पार्टनर मेरे फ्रॉड निकल गए, तो वो हिसाब से अभी फिलहाल बंद है मेरा। तो अभी कोई अच्छा पार्टनर मुझे मिलेगा वो मैं फिर से चालू करवाने वाला हूँ। तो आप कंफर्म कर सकते हो? हाँ, वो आप कंफर्म कर सकते। ठीक है, तो ये जितने भी बिल्ड थे, मतलब हमने आप सभी की प्राइसिंग के बारे में बात की। हाँ। पीछे भाई एक हाई एंड बिल्ड भी रखा है, काफी जबरदस्त आने वाला है, वो भी आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो की प्लानिंग चल रही है भाई अभी, उसमें भाई मतलब वो स्टार्ट ही होने वाला है 2 लाख है, जो जाएगा मिनिमम 6-7 लाख तक। भाई मजा आने वाला है, एकदम जबरदस्त, एकदम खतरनाक बिल्ड मिलने वाले। ये जो भी मैंने पीसी बिल्ड 1.5 में आप 40 सीरीज के साथ भी बिल्ड कर सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना हो तो 40-60 तो आया नहीं है, 40-70 के साथ करना हो तो आप i5-13 वगैरह डाल सकते हो इसमें, i5-13 के साथ 47 1.5 में इजीली बिल्ड कर सकते हो। ओके, ये थी आज की वीडियो में, हमने सभी अपने जो बिल्ड थे भाई सभी को कवर किया, प्राइसिंग एकदम भाई जबरदस्त मिली है। पर लव भाई जो प्राइसिंग बोली है वही मिलेगी ना, पक्की प्राइसिंग भाई, पक्की वही प्राइसिंग रहेगी, प्राइसिंग की गारंटी रहेगी, और ये प्राइस में आपको पूरे लैमिंगटन रोड पे या पूरे इंडिया में मतलब नहीं मिल सकता। ठीक है, लैमिंगटन रोड को क्या पूरे इंडिया में नहीं मिल पूरे सकता, पूरे इंडिया में ये प्राइसिंग में नहीं मिल सकता, और जितना हुआ मेरे तरफ से डिस्काउंट नहीं बोल सकते, प्राइस तो मेरी जो मैंने डाली है वो फिक्स रहेगी, इसमें मैं कुछ भी बार्गेन नहीं कर सकता, बट जितना मेरे हैंड से हुआ मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट करवा सकता हूँ। ओके ठीक है, सरप्राइज रहेगा भाई, नहीं वो कीबोर्ड माउस तो है ही, वो क्वेश्चन मार्क है, फिर क्या मिलने वाला। ठीक है, तो भाई जब आप बिल्ड कराओगे तब मिलेगा, बट भाई प्राइस की गारंटी रहेगी, और इतना क्लियर कर देता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने किया नहीं था कि होली तक ही है, तो आज मैं कर देता हूँ, वीडियो डालने के 20 डेज तक ही ये रहेगा। ओके हाँ, तो फिर वही है भाई, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, वो बहुत सारी चीजें प्राइस चेंज हो जाती है। तो ठीक है, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना, जो भी स्टोर का एड्रेस है नंबर है मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर आया वहां से कॉल करके बात कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।